नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो राजस्थान के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने BSTC का फॉर्म भरा था और आज अब उनका प्रवेश पत्र आ गया है। वो प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करना है यदि किसी को नहीं पता है तो आज इस वीडियो में आप खुद जान सकते हो और अपने मोबाइल से वो प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना है आप देख सकते हो कि कार्यालय समन्वयक प्री DLD परीक्षा एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय राजस्थान बीकानेर ने अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है कि एडमिट कार्ड जारी हो गया है। प्री DLD परीक्षा 2023 के लिए अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने लॉगिन ID एवं पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड एवं प्रिंट कर लें। परीक्षा राज्य के समस्त जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 28 अगस्त 2023 को 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगी। तो सबसे पहले आपको प्री DLD जो साइट है पंजीयक विभाग की, उसको ओपन करके उसके अंदर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको ये होगा, ये प्री DLD आप लिखोगे तब जाके ये आपकी वेबसाइट ओपन होगी। ये वेबसाइट भी सबको पता नहीं है, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोबारा से खोलता हूँ, पंजीयक प्री DLD.in करके साइट है ये। ये खोलोगे तो ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा और इस पर क्लिक करोगे तो ये साइट ओपन होगी। इसके अंदर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, ये एक लाइन घूम रही है, एडमिट कार्ड लाइन नाउ, मतलब डाउनलोड करने चालू हो गए हैं। यहाँ पे आ रहा है कि क्लिक हेयर अप्लाई और लॉगिन, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ये लॉगिन करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी यूज़र ID और पासवर्ड है वो लगा के आप लॉगिन करेंगे। तो मैं यूज़र ID और पासवर्ड लगा लेता हूँ। ये मैंने यूज़र ID और पासवर्ड लगा दिया, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, फॉर्म का प्रीव्यू देखना हो, एग्जाम एडमिट कार्ड, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड दिख जाएगा कि ये है आपका, आपकी सिटी बाड़मेर है। एडमिट कार्ड डाउनलोड व्यू और डाउनलोड का ये ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो लिखी हैं वो एक बार ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ लें मैं एग्ज़ाम देने से पहले। और आज की वीडियो में इतना ही, और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।